ભગવાન મહાવીર અને ડ્રગ્સના દૂષણ સામે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે પ્રયત્નશીલ સંસ્થા યુથ નેશન દ્વારા આજરોજ નાટક દ્વારા સુરત રેલવે સ્ટેશન ખાતે હજારો યાત્રીઓને ડ્રગ્સના દૂષણ અંગે જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. યુથ નેશનના સંસ્થાપક વિકાસ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે ભગવાન મહાવીર ખાતે દર વર્ષે સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને તે અંતર્ગત બાળકો દ્વારા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આજરોજ યુથ નેશનના સહયોગથી સ્કૂલના બાળકોએ સુરત રેલવે સ્ટેશન પરિસરમાં ટિકિટ બારી અને પ્લેટફોર્મ મળી કુલ 3 જગ્યાએ 6-6 મિનિટનું નાટક ભજવવામાં આવ્યું હતું અને હજારો યાત્રીઓને ડ્રગ્સના વ્યસનથી કેવી રીતે વ્યક્તિનું જીવન બરબાદ થાય છે અને તેના દુષ્પરિણામ વિશે જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ તરીકે સુરત શહેર ભાજપના ભૂતપૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ છોટુભાઈ પાટીલ તેમજ કૈલાશ જી હકીમ અને સુરત રેલવે સ્ટેશનના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિકાસ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે સુરત રેલવે સ્ટેશન ખાતે કાર્યક્રમ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે લોકોને ખ્યાલ આવે કે તેઓ જ્યાં પણ જશે તેમની સાથે જાગૃતિ સાથે રહેશે. देखिए, आप सब जानते ही हैं कि पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया प्रोग्राम से देश में बहुत ही ज़्यादा एक बदलाव आया है और बहुत तरक्की आई है. और मैंने आज यहाँ पे सूरत में युवाओं के साथ इस संवाद में उनको इस प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के बारे में दोहराया है कि वो मानते हैं कि हमारे आने वाले दशक इंडिया का टेकेड होगा और इस इंडिया के टेकेड में युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स के अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और उस एक इंडिया के टेकेड के विज़न को मैंने न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया के इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया है. आज यहाँ पर सूरत में स्टार्टअप्स के साथ भी संवाद हुआ, उनको मिला और मैंने उनके साथ ये भी शेयर किया कि सूरत इज़ नोन फॉर डायमंड्स, इट कैन बी नोन फॉर डी फॉर डायमंड एंड डी फॉर डिजिटल. सूरत इज़ नोन फॉर एस फॉर सूरत, सूरत कैन ऑल्सो बी नोन फॉर एस फॉर स्टार्टअप. सूरत में टी फॉर टेक्सटाइल है तो टी फॉर टेक्नोलॉजी भी हो सकता है. तो ये एक नया दौर है आने वाले दशक में और सूरत में हमारे युवाओं को भी इस अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे लगने चाहिए और लग सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं. मेरा नाम विकास चंपालाल दोशी है, मैं यूथ नेशन का फाउंडर हूँ. यूथ नेशन एक ऐसी संस्था है जो ड्रग्स की अवेयरनेस पे सूरत और गुजरात में काम करती है. आज हम सूरत शहर के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं. भगवान महावीर कॉलेज के सहयोग से हम यहाँ पे एक ड्रग्स अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं. इसका रीज़न ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर प्रांत के और हर एज के लोग आते हैं और वो जब आएंगे और इस तरह की अवेयरनेस देखेंगे तो वो यहाँ से कुछ अपने साथ में एक संदेश ले जाएंगे कि उन्हें नशे से कैसे दूर रहना है और अपने परिवार को इससे कैसे दूर रखना है.